आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ डाउनटाउन ब्रैंटफोर्ड ओंटारियो और ग्रैंड रिवर को विद द हेल्प ऑफ गोप्रो। ओके जी, लॉकिंग माय डोर और इट हैज बीन लॉक्ड। बिल्कुल अपना होंडा लेंगे हम, यानी कि अपने बाइसिकल, एंड देन वी विल गो अप। दिस इज माय बाइक। चलो बाइक पकड़ गो। वो जैसे कहते हैं ना, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता। तो आज का सफर शुरू करते हैं और आई होप कि सफर अच्छा रहेगा और इसको एंजॉय। बिल्कुल जी, हमारा डाउनटाउन आज गोप्रो की वीडियो कैप्चरिंग में आपको नजर आएगा एंड आई होप यू गोना लाइक इट। That guy is going on an electric bike. बिल्कुल, काफ़ी अच्छा मौसम है। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है और इसी वजह से बाइक्स वगैरह अब आपको काफ़ी नज़र आएंगी अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द डाउनटाउन। डाउनटाउन में रहने के अपने पार्क्स हैं, लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप जो है ना, आपने जस्ट कैन से आपके बिल्कुल पास होती हैं, आपको डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हैं। और अमूमन मैंने देखा है बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं कि जिनके पास अभी गाड़ी नहीं है, तो वो यहाँ पर डाउनटाउन में रहने के बस ऑफिंग बिल्कुल पास। मेरी ब्रेक थोड़ी सी क्या, काफ़ी सारी ख़राब है। और सूरज अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, यानी कि आलमोस्ट बादलों के पीछे छुपा हुआ है ना, और सनसेट होने वाला है। यहाँ से बाकायदा डाउनटाउन का आगाज होता है। हम थोड़ा सा इसको रुख को चेंज करेंगे ताकि हम नई जगहों पर जा सकें। डाउनटाउन की सबसे मेन स्ट्रीट, आज सैटरडे है इसलिए रश नहीं है, लोग घरों में हैं और एंजॉय कर रहे हैं फैमिलीज के साथ। मेरा स्टॉप साइन आ गया, आई हैव टू स्टॉप राइट नाउ। ये जी हमारा डाउनटाउन सारा टिम हॉर्टन्स, अच्छी बिल्डिंग्स हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एंड देयर यू गो, वी गुड टू गो। ब्रैंटफोर्ड की सैर आज बिना स्टाइल है। बिल्कुल, ब्रैंटफोर्ड का डाउनटाउन गो के इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत प्यारी हैं, एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं और
जो इस ब्रेंटफोर्ड डाउनटाउन को खूबसूरत बना। स्टॉप साइन I think I should change my direction. Maybe. Dogs are coming. कुत्ते पै जाने आपका। Hello. बच गए. खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इनकी जो एंशिएंट टाइम्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेफिनेटली। ये मेरे सामने बिल्कुल लॉरी और ब्रैंडफोर्ड की बिल्डिंग जो है वो आ चुकी है और हम इसके पास से ही गुजर के नीचे जाएंगे। मौसम आज स्पेशली साइकिलिंग के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, यकीन माने आई एम रियली एंजॉयिंग इट। दिस इज लॉरी और ब्रैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी है ये कैनेडा में। मेरी ब्रेक्स को पता नहीं क्या हो गया, गलत टाइम पे ख़राब हो गया। खैर कोई नहीं, सो फार वी हैव टू गो एंड दिस इज डाउनटाउन ब्रैंडफोर्ड। मैं इस वक्त शार्लट स्ट्रीट ब्रैंडफोर्ड से गुजर रहा हूँ। आई थिंक आई शुड रिप्लेस इन माय गाइस आई थिंक विद अ न्यू वन। लेट्स सी बॉर्न स्ट्रीट में एंटर हो चुका हूँ। ये इस शहर की सबसे मेन स्ट्रीट समझी जाती है। बिल्कुल जी, ये डाउनटाउन है और ब्रैंडफोर्ड जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ उसको टेलीफोन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन जो है वो ईजाद किया था, टेलीफोन बनाया था और जिससे पूरी दुनिया में इंकलाब आया। और छोटा सा शहर है, ऑलमोस्ट 100,000 इसकी पॉपुलेशन है और छोटा सा इसका डाउनटाउन, बट आई रियली लाइक इट। यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी और ये भी लॉरिएट यूनिवर्सिटी का हॉल। ओह गॉड, आई एम टायर्ड। आपकी लाइफ में ज़्यादा एक्टिविटी ना हो और आप इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट करें तो डेफिनेटली शुरू में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, लेकिन इंसान को ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में ज़रूर इंगेज होना चाहिए। और मुझे यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ के लोग जो है ना वो अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस किए हुए हैं, लाइक वो काम भी करते हैं एंड देन उसके बाद अपनी लाइफ को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आर्मी स्क्वायर जो है इसकी एंट्रेंस डलहौजी स्ट्रीट की जानिब से होती है, जो मेन एंट्रेंस है और ये शहर के बीचों बीच वाकई है, इसीलिए इसको शहर की गैदरिंग प्लेस भी कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर बड़ी सरगर्मी के साथ होती है। ये शहर के जो है हम कह सकते हैं हार्ट में प्लाजा है, इट्स यूजली दैट नॉट दैट मच बिजी। ड्राइविंग अराउंड दिस प्लाजा Like a crazy guy. Different activities होती हैं, जैसे कि आर्मी स्क्वायर 2018 के अंदर जो है सिटी वाइड एक कॉन्टेस्ट करवाया गया, लोगों से पूछा गया कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो इस आर्मी स्क्वायर को जो है वो रिप्रेजेंट करे, तो लोगों ने कहा कि स्क्विरल। तो अब जो है वो फेस्टिवल होता है बकायदा, जहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, फूड वगैरह होती है, नट्स वगैरह होते हैं और बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है। इसके अलावा जो है आर्मी स्क्वायर के अंदर जो है आउटडोर आइस स्केटिंग भी होती है, स्प्लैश पैड, इसके अलावा स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, समर प्रोग्राम्स डिफरेंट होते हैं और यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम्स भी हैं और रेंटल एंड परमिट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना एक्टिविटीज़ होती हैं और सिटी ऑफ ब्रैंडफोर्ड की जानिब से कहा जाता है कि स्टे कनेक्टेड फॉर मोर फन। चलते हैं बाहर की जानिब। जैसे मैंने बात की कि यहाँ पर रेंटल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जैसे कि बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं शॉप्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो है रेंटल अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इवन कि आप जो है यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी रेंट कर सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सामने जो है आप देखेंगे कुछ और बिल्डिंग्स आएंगी, मैं आपको उनके हवाले से बताऊँगा। जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड पे इस वक्त जो है
यहाँ पे ट्रांजिट आ रही है सामने। ब्रेंटफोर्ड की ट्रांजिट ठीक है क्योंकि छोटा शहर है तो उस तरह से फास्ट नहीं है, बट इट्स ओके अकॉर्डिंग टू सिटी। ये बिल्कुल सामने मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ और ये मेरे साथ जो है शीशे वाली बिल्डिंग, ये ब्रेंटफोर्ड का YMCA का जिम है। See a lot of old buildings. Oh, weather is so good, damn good. Winter बहुत बुरा था, it was terrible. But over here, summer is everything, you know. I see people are coming out, walking around the city, enjoying themselves. That's good. ये मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैं कोई तीसरे सियारे की मखलूक हूँ, दूसरे की भी नहीं तीसरे की। खैर अब हम ग्रैंड रिवर की जानिब बढ़ रहे हैं और ये सड़क पार करने के बाद यहाँ से हम ग्रैंड रिवर के नज़ारे भी कर सकेंगे, बट अभी वी हैव टू वेट। और जब हमारा सिग्नल आएगा, हमारे चलने का सिग्नल आएगा, देन आई विल क्रॉस द रोड। ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया रुक जाओ, अभी इशारा नहीं हमारा। अरे भाई ओ देखें, हमें लगता है कि रूल ब्रेकर सिर्फ ना हमारी कंट्रीज में ही है, लेकिन ये भाई साहब को देखें, अभी इनका इशारा नहीं था, अभी रुकने का इशारा है। जैसे कि मैं रुका हूँ, पैदल चलने वालों को भी क्रॉस करने की जो है वो नहीं थी इजाज़त, लेकिन ये भाई फिर भी क्रॉस कर गए। और जब एक्सीडेंट हो जाता है देन ये सारा कार वालों पे डाल देते हैं कि कार वालों की गलती थी। खुदा के लिए भाई कुछ अकल को हाथ मारो। Okay, Z, now we are heading towards the Grand River. बड़ी प्यारी जगह है, अभी बड़ी पुरलुत्फ जगह है, मज़ेदार जगह है। आए अपना वक्त स्पेंड करें, टाइम गुजारें। बस मैं अब पहुँचने वाला हूँ ग्रैंड रिवर के पास। ग्रैंड रिवर का पुराना नाम है ओस और ये काफ़ी एक्टिविटीज़ की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि एक तो ये वाइल्ड लाइफ को सस्टेन करता है, दूसरा यहाँ पर फिशिंग बहुत होती है, और तीसरा जो है इसके पानी से जो है वो बहुत सारे फ़ायदे लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर कुछ बात की जाए तो स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर यहाँ पर बहुत एक्टिविटी होती है, खूब यहाँ पे जो है वो फिशिंग होती है, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे बोटिंग भी खूब होती है, और लोग जो है ना बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत दरिया है। अच्छा जी, इसको कहते हैं ब्रेंट क्रॉसिंग स्केटबोर्ड पार्क। यहाँ पे जो है स्केटिंग की जाती है, जैसा कि ये भाई देखें, इट लुक्स एक्सपर्ट, नाइस, वेल ट्राइड मैन, वेल ट्राइड, दैट्स गुड। ब्रेंटफोर्ड को हब ऑफ ट्रेल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों इतराफ ट्रेल्स का एक वसीओ अरीज जाल बिछा हुआ है। और यहाँ पर एससी जॉनसन के नाम से एक ट्रेल है जिसको ट्रेल नंबर 14 भी कहा जाता है, और ये ट्रेल जो है ये ब्रेंटफोर्ड को पेरिस से मिलाती है और इसकी लंबाई जो है 14 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ जो है तो काफ़ी ग्रीनरी है, और ऐसे मनाजिर यकीनन आपकी आंखों को भी सुकून बख्शते हैं और आपके दिल को भी लुभाते हैं। और वैसे भी इंसान को अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से कुछ थोड़ा बहुत जो है अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर यही मेमोरीज होती हैं। और इंसान जितना भी कुदरत के करीब होता है तो उतना ही इंसान को जो है ना वो अपने जहन को, अपने ख्यालात को बेहतर करने का मौका मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो है आमदोरफ्त रहती है अक्रॉस द ब्रेंटफोर्ड ग्रैंड रिवर, और घूमते फिरते रहते हैं, कुछ साइकिलिंग करते हैं, कुछ जो है वो बोटिंग करते हैं। तो जो जो
जिस जिस चीज़ का शौक रखता है वो अपनी इन एक्टिविटीज से लुत्फानंदोज़ होते हैं, और मुझे यहाँ के लोगों की यही बात अच्छी लगती है। सो वाकई में अपने शौक जो है इंसान को पूरे करते रहना चाहिए गाय बगाय, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना ये आपको वक्त नहीं देगी, आपको खुद वक्त निकालना पड़ेगा। वेल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने ब्रेंट क्रॉसिंग के इतराफ में आपको दिखाया जो दो पुल हैं ब्रेंटफोर्ड के अंदर, जो आमतौर पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं या जो साइकिलिस्ट हैं वो उनको यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ मैंने डिफरेंट चीज़ों को भी मैंने कोशिश की कि GoPro की मदद से मैं उसको कवर करूँ, और ताकि आप उससे लुत्फानंदोज हों, आपको वो चीज़ अच्छी लगे। ऑलराइट जी, हम बढ़ रहे हैं पुल नंबर 2 की जानिब जिसका हमने जिक्र किया था, और यहाँ पर जो है ये भी अच्छा है, और वो रास्ता आने के लिए यूज़ किया, ये रास्ता वापस जाने के लिए यूज़ किया, लेकिन ये दोनों ही सेम है। और यहाँ पर जो है इसके इतराफ़ में भी देखा जैसे कि लोग जो हैं गुजर रहे हैं, मैंने बात पहले भी की थी, पैदल चलने वाले भी लोग जो हैं काफ़ी इन चीज़ों का शगफ रखते हैं, अच्छी बात है, इंसान को इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहना चाहिए। तो ब्रेंटफोर्ड क्योंकि बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुदरत के काफ़ी नज़ारे हैं और इन्जॉयमेंट के लिए काफ़ी जगह हैं। ओ गॉड, नामवार रास्ता हो जाता है कोई नहीं इस तरह के ट्रेल्स पर, इस तरह के रास्तों पर, वो कहते हैं इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सो आई होप कि मैं ना पक्के रास्ते पर जल्दी चढ़ जाऊँगा गिरे बगैर। हाँ लिटरली साइकिल मेरा कहाँ पर है, खैर कोई नहीं, होता है फिर ये तो साथ साथ ही चलता है। तो ब्रेंटफोर्ड के हवाले से ही बात हो रही थी, जैसे कि इसके साथ ही इसकी काउंटी भी है जिसकी ऑलमोस्ट 37,000 पॉपुलेशन है, और ब्रेंट काउंटी की खास बात यह है कि उसकी अपनी म्यूनसिपलिटी है, ब्रेंटफोर्ड की अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और ब्रेंट काउंटी जो है उसकी अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यानी कि वो आजादाना तौर पर जो है वो रन। शायर फरमाता है कि चल ना सागर किसी अनजान से बस्ती को जाए, यहाँ पे तो सब हमसे खफा रहते हैं। खैर हम अपने साइकिल को थोड़ी देर के लिए खड़ा करते हैं, और यहाँ पर आपको जाते जाते तो कहते हैं ना जाती बहार के मेले, ग्रैंड रिवर के नज़ारे दिखा देते हैं, ग़ुरूब आफ्ताब का इंतहाई खूबसूरत मंजर, आसमान पर कम गहरे काले बादल, लोग बोटिंग से लुत्फानंदोज़ होते हुए, और हमारी वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचते हुए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा यूट्यूब चैनल उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, यार जिंदा सोहबत बाकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा आपका हम सब अल्लाह निगेवान।